दिवाली और छठ पूजा पर सबको घर जाना है, अपने परिवार के साथ त्योहार मनाना है। लेकिन मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर आज जो हुआ वो किसी भी रेलवे स्टेशन पर हो सकता है। ट्रेन आई, भगदड़ मच गई। जिस ट्रेन की क्षमता 1000 लोगों की है, वहां 2500 लोग पहुंच गए। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो त्योहारों के इस मौसम में और भारत की इस बढ़ती आबादी के बीच में किसी भी स्टेशन पर देखने को मिल सकता है। स्ट्रेचर, खून, चप्पल, जूते, बैग, प्लेटफॉर्म पर हर जगह बिखरा हुआ सामान, खाना और चोटिल लोग। मुंबई ही नहीं, दिल्ली, सूरत, हर उस बड़े स्टेशन के लिए ये घटना एक अलार्म है जहां भीड़ इकट्ठा होती है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर बांद्रा रेलवे स्टेशन पर 22291 बांद्रा गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस के साथ ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश में रेलवे एक्शन मोड में आ गया। लोग स्ट्रेचर लेकर दौड़ रहे हैं, जिसको जो मिला वो घायल की मदद करने पहुंच गया। कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर बेहोश पड़े हैं, कुछ लोग खून से लथपथ, रेलवे ट्रैक पर जूते चप्पल पड़े। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भीड़ इतनी बड़ी कि भगदड़ मच गई। एक बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन टल गया। भीड़, हंगामा, भगदड़ की यह तस्वीर महाराष्ट्र के बांद्रा रेलवे स्टेशन की है। आधी रात को ट्रेन आई और भगदड़ मच गई। ट्रेन हमेशा 3 घंटे पहले प्लेटफॉर्म पे आ जाती है, आज उसको थोड़ा सा लेट हो गया, तो उसकी वजह से लोगों ने लाइन तो हमने लगाई थी, हमारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, आरपीएफ एंड पुलिस वहाँ पे प्रेजेंट थी, वो लाइन लगाई भी थी, लेकिन अचानक से लोगों में भगदड़ की तरह सिचुएशन हो गई। अचानक से जो लाइन लगाई थी वो लोगों ने छोड़ दी एंड ये इंसिडेंट हुआ। बांद्रा रेलवे स्टेशन पर दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने के लिए इतने यात्री इकट्ठा हुए कि प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की जगह नहीं। भीड़ इतनी कि जो जहां है वहीं खड़ा है, बैठा है। ये बांद्रा रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ यात्री ही दिखाई दे रहे हैं, सिर पर सिर्फ सामान ही दिखाई दे रहा है। प्लेटफॉर्म की क्षमता करीब 1000 से 1500 यात्रियों की है, लेकिन त्योहार का सीजन होने के कारण 2500 यात्री पहुंच गए। बांद्रा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कोई 6 घंटे से बैठा है, तो कोई 12 घंटे से खड़ा है, तो कोई 20 घंटे से। सभी को इंतजार है बांद्रा से गोरखपुर जाने वाली 22981 अंत्योदय ट्रेन की। बांद्रा टर्मिनस में 22921 बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस, जिसका शेड्यूल डिपार्चर 5:15 था, इस ट्रेन को जब 2:44 पे प्लेटफॉर्म पे यार्ड से प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा था, उस समय प्लेटफॉर्म पर आने के और ट्रेन खड़ी होने के पहले ही कुछ यात्रियों ने चलती हुई हालत में इस ट्रेन को बोर्ड करने की कोशिश की। 26 और 27 अक्टूबर की रात 2:55 पर बांद्रा से गोरखपुर जाने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस आई। ट्रेन के आते ही पूरा हुजूम एक साथ बोगी की तरफ बढ़ा। हर किसी को सबसे पहले ट्रेन में चढ़ना है, क्योंकि बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन है जो यात्री पहले कोच में एंटर करेगा उसे सीट पहले मिलेगी। जिसने थोड़ी सी भी देरी की उसे 35 घंटा लंबा सफर खड़े होकर पूरा करना पड़ेगा। अब इस तस्वीर को देखिए, हजारों लोग ट्रेन के अंदर एंटर हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी ट्रेन के हर गेट पर यात्रियों की भीड़ लगी। जितने यात्री ट्रेन के अंदर बैठे उससे ज्यादा यात्री ट्रेन से बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़े। बांद्रा गोरखपुर अंत्योदय ट्रेन में 22 बोगी है, सभी के सभी कोचेस जनरल है, यानी अनारक्षित है।
इसमें एसी और स्लीपर क्लास की कोचेज नहीं होती है। जिन्हें दूसरे ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं मिला, उन सभी को बांद्रा गोरखपुर ट्रेन का इंतजार था। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंची, सबसे पहले बैठने की कोशिश में अफरा तफरी मच गई। 2500 यात्रियों की भीड़ सीधे ट्रेन की तरफ बढ़ी, जिसके बाद भगदड़ मच गई। कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर गिर गए, भीड़ उनके ऊपर से गुजरती रही, ट्रेन में बैठती रही। किसी के पैर में चोट लगी तो किसी के सीने में, तो किसी के सिर में चोट लगी, तो कोई ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच वाले गैप में फंस गया। भगदड़ में 10 लोग घायल हो गए, जिसमें 8 को सामान्य चोट आई, जबकि 2 यात्रियों की हालत गंभीर है। इस वक्त हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 बांद्रा टर्मिनस के उस ट्रैक पर है, जहाँ पर ट्रेन आकर रुकी थी, जो बांद्रा से गोरखपुर जाने वाली थी। और स्थिति हम दिखा दें कि जो जूते चप्पल यहाँ पटरी के बिल्कुल किनारे पर देख रहे हैं, उन लोगों के जूते चप्पल है जो कोशिश कर रहे थे गोरखपुर जो जनरल ट्रेन थी उसमें घुसने की। 22 डब्बे की वो ट्रेन थी, जनरल कोच था, जनरल पूरी ट्रेन थी, और उसमें चढ़ने की कोशिश में ये स्थिति बनी। जरूर ये किसी का बैग रहा होगा जिसका हैंडल टूटा हुआ है। ये चप्पल देख सकते हैं, जूते देख सकते हैं, किसी के खाने का सामान तक है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये स्थिति बनी है जो प्लेटफॉर्म 1 का जो ट्रैक है उसके किनारे पर, जब लोग बड़ी संख्या में, तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों की घुसने की संख्या होती है ट्रेन में चढ़ने की, लेकिन तकरीबन 2500 से ज्यादा लोग जो है प्लेटफॉर्म पर एक साथ आ गए, यात्री आ गए, जिसके चलते स्थिति जो है बेकाबू हो गई। और अब जो स्थिति हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये स्थिति हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की आपको दिखा रहे हैं, और अब जो है लगातार इसको साफ करने की कोशिश है, पूरी 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 ट्रेन को जो है साफ करने की कोशिश की जा रही है। और ये स्थिति हम दिखा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की, जिसे अब क्लीन किया जा रहा है। बांद्रा गोरखपुर जाने वाली अंत्योदय ट्रेन की क्षमता 1000 यात्रियों की है, लेकिन बांद्रा टर्मिनल पर जुटे थे 2500 यात्री। लेकिन इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? ये सिर्फ एक ट्रेन की भीड़ नहीं है, बल्कि 2 ट्रेनों की भीड़ है। प्रशासन का कहना है कि शनिवार यानी 26 अक्टूबर को पूजा स्पेशल ट्रेन उसी रूट पर जाने वाली थी, जिस रूट पर 22921 अंत्योदय एक्सप्रेस चलती है, लेकिन वो ट्रेन 16 घंटे डिले हो गई, जिस कारण रेलवे ने इसे कैंसिल कर दिया। अब 26 अक्टूबर को जिन्हें पूजा स्पेशल ट्रेन से जाना था, वो स्टेशन पर ही रुक गए और बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस का इंतजार करने लगे, और भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोग सीट पाने के लिए चलती ट्रेन में उठने लगे। कुछ इस तरह ये तस्वीर मुंबई के कुर्ला इलाके में मौजूद लोकमान्य रेलवे स्टेशन की है। हम लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, और इस वक्त अगर आप तस्वीरों में देखें तो बिहार जाने वाली यानी कि दानापुर जाने वाली ट्रेन लग रही है। और जिस तरह से यहाँ पर अभी भी आपको नजर आएगा कि देखिए दरवाजों पर लोग किस तरह से उन्हें खोलने की कोशिश कर रहे हैं, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था इस वक्त यहाँ नजर नहीं आ रही है, यानी कि घटना आज सुबह बांद्रा रेलवे स्टेशन पर जिस प्रकार की घटना हुई, उसके बाद एक ट्रेन यहाँ पर लग रही है जो बिहार की तरफ जाएगी, दानापुर जाएगी। और लोग आपको दरवाजों पर देखिए किस तरह से लोग दरवाजे को ढकेलते हुए नजर आएंगे, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त देखिए एक महिला आपको अटकी हुई नजर आ रही है। आपको देखिए अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? लोग जोरदार तरीके से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो नाकाम है। तो इस वक्त तस्वीरों में देखिए फिलहाल अभी भी यहाँ पर दरवाजे बंद है, लोग दरवाजों को खोल कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में भी मुंबई जैसा नजारा देखने को मिला। त्योहार पर घर जाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ दिखाई दी। यहाँ न तो कोई जनसभा हो रही, न ही ये भीड़ किसी रैली में आई, बल्कि ये सूरत का उधना रेलवे स्टेशन है, और यहाँ दिवाली और छठ पर घर जाने के लिए यात्रियों की भीड़ इकट्ठा हुई। लाइन में तो 2 बजे रात से खड़े हैं, जाना यूपी है, सुल्तानपुर जाना है। क्या दिक्कत ट्रेनें छोड़ी आ रही, अभी तक उम्मीद ही ना है कि ट्रेन मिल जाए दूसरी। रात से खड़े हुए हैं, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा, जौनपुर जाना है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, बहुत ज़्यादा गर्दी है, लाइन में खड़े खड़े बहुत परेशानियाँ हैं,
सामना करना पड़ा। खाना वाना नहीं खाए हैं, पानी वानी नहीं पिए हैं, समस्या झेल रहे हैं और यहाँ बंदे बना के रखे हैं कि अभी जाना अभी जाना, अभी जा भी नहीं सकते हम लोग। हमको जाना है काम नहीं, छपरा जाना है, छपरा से हम लोग का और सिवान जिला जाना है, छपरा से सिवान जिला। कब से लाइन में खड़े हो? हम तो 4 बजे से आए हैं मगर लाइन में 5 बजे से लगे हैं, 4 बजे रात से आए हैं, ना खेले ना पिए ले। बांदा जाना था यूपी तो लाइन टिकट ही लेने में 4 घंटे में टिकट मिल पाई है, अभी भी लाइन में खड़े हैं, अभी तो गेट के अंदर ही नहीं हो पाए, स्टेशन के अंदर ही नहीं अभी घुस पाए। जहां रेलवे स्टेशन के बाहर एक पूरा ग्राउंड भर गया, इस भीड़ में कोई यूपी तो कोई बिहार तो कोई ओडिशा जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा, जहां तक नजर जा रही सिर्फ यात्री ही यात्री दिखाई दे रहे हैं, सभी को दिवाली से पहले घर पहुंचना है। बांद्रा में हुए हादसे और भीड़ को देखते हुए यहां पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। ये जो जनता है, ये जो प्रवासी है जो अपने वतन जाने के लिए खास करके यूपी के है, जो यहाँ पर मजदूरी या रोजी रोटी के लिए आए थे, उनको भी दिवाली और छठ पूजा मनाने के लिए उनके अपने गांव जाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सबको यहाँ पर लाइन में प्रशासन की ओर से सबको लाइन में प्रशासन ने खड़ा किया है और जिसके पास टिकट है उसी को यहाँ से अंदर जाने की एंट्री मिलती है, क्योंकि अगले साल भी ऐसे ही अफरा तफरी के माहौल में सूरत के ये उधना स्टेशन के ऊपर करीब करीब 2 लोगों की सफोकेशन के कारण मौत हुई थी। तो अब प्रशासन काफ़ी अलर्ट और चौकन्ना है और हर एक नागरिक की जांच करके एक 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 करके सबको लाइन में यहां से भेज रहे हैं। 2023 में उधना रेलवे स्टेशन पर हुई यात्रियों की मौत के बाद इस बार सूरत प्रशासन और रेलवे के अधिकारी एक्शन मोड में। दिल्ली में भी रेलवे एक्शन में, सबसे ज्यादा लोग दिल्ली में रहते, दिल्ली से या फिर दिल्ली से होकर सबसे ज्यादा ट्रेन यूपी बिहार झारखंड ओडिशा और बंगाल जाती। जैसे जैसे दिवाली करीब आ रही, छठ पूजा नजदीक आ रही, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों की लाइन लंबी होती जा रही। इस समय हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हैं और कतार यहां पे देखने को मिल रही है, भीड़ है यात्रियों की। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रेलवे स्टेशन के बाहर से ही कतार शुरू हो जा रही है। हालांकि भारतीय रेल ने इस साल 7,000 ट्रेनें चलाई हैं त्यौहार स्पेशल, दिवाली के लिए, छठ के लिए, लेकिन ये सभी ट्रेनें रिजर्व्ड है, बुक है। जो यात्री जिन्हें टिकट नहीं मिला है या जो तत्काल में ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। भले ही आपकी ट्रेन सुबह की हो या शाम की हो, आपको लगभग 4 से 5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन में आना पड़ रहा है क्योंकि बाहर से ही कतारें शुरू हो जा रही है। हालांकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ से कुछ प्रबंध किए गए हैं क्योंकि त्योहारों के सीजन में जैसे भीड़ है तो अचानक से रेलवे स्टेशन के अंदर का जो एरिया है, वेटिंग एरिया है, वो यात्रियों से भर जाता है, इसलिए